वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अगले एक घंटे तक आप देख पाएंगे देश और दुनिया की वो सारी अहम खबरें जिनका सीधा सरोकार आपसे है, जिन खबरों से आपका वाकिफ रहना जरूरी है। टूलकिट मामले में आज निकिता और शांतनु की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है, जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी। हम आपको ये भी बताएंगे कि दिशा रवि से पूछताछ में अब तक क्या कुछ सामने आया है, क्या खुलासे हुए हैं। हम पश्चिम बंगाल आपको लिए चलेंगे क्योंकि सरस्वती पूजा पर चल रही सियासत को डिकोड करना जरूरी है। साथ ही आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ में कोवैक्सीन पर क्यों लगी है रोक, आम आदमी पार्टी की किसान पंचायत आपको दिखाएंगे, और फिल्म धोनी में सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम करने वाले कलाकार नाहर ने खुदकुशी कर ली है, इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे कई अहम खबरों के साथ। देश को हिला देने वाले टूलकिट मामले के साथ शुरुआत होगी क्योंकि टूलकिट मामले में वांटेड बॉम्बे हाई कोर्ट की वकील निकिता जेकब ने दिल्ली पुलिस को चकमा दिया है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या गिरफ्तारी के डर से अंडरग्राउंड हो गई है निकिता जेकब? आज तक के पास एक्सक्लूसिव दस्तावेज हैं जिनसे खुलासा हो रहा है कि लिखित में हामी भरने के बावजूद निकिता गायब हो गई हैं। उधर दिल्ली पुलिस इस मामले के तीसरे चेहरे शांतनु की तलाश में भी छापेमारी कर रही है। कहां है टूलकिट केस की आरोपी निकिता जेकब? कहां छिपा है टूलकिट केस में वांटेड शांतनु मलुक? टूलकिट की एडिटर दिशा रवि के और कितने राज? टूलकिट में दिशा रवि से पूछताछ में जैसे जैसे साजिश के राज खुलते जा रहे हैं, दिशा के दो सहयोगी निकिता जेकब और शांतनु मलुक पर शिकंजा कसता जा रहा है। शांतनु की तलाश में दिल्ली पुलिस ने महाराष्ट्र के बीड़ जाकर उसके घर पर छापा मारा, लेकिन शांतनु का पता नहीं चला। पुलिस उसके परिवार वालों से पूछताछ कर रही है। शांतनु बीड़ के चाणक्यपुरी इलाके में रहता है। टूलकिट तैयार करने में निकिता की तरह उसने भी दिशा की मदद की थी। शांतनु पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर है। उसने अमेरिका से MSc की पढ़ाई की थी। पर्यावरण के क्षेत्र में पिछले काफी समय से वो सक्रिय रहा है। टूलकिट मामला सामने आने के बाद बीड़ में शांतनु के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शांतनु की घेराबंदी निकिता के घर से बरामद सबूतों के आधार पर हो रही है। शांतनु की तलाश में पुलिस की अलग अलग टीमें बीड़ के अलावा बेंगलुरु में भी सर्च कर रही हैं। उधर टूलकिट में दूसरी वांटेड आरोपी बॉम्बे हाई कोर्ट की वकील निकिता जेकब का भी 11 फरवरी के बाद से दिल्ली पुलिस को कोई सुराग नहीं है। आज तक के पास वो दस्तावेज हैं जो निकिता पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। 11 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने निकिता के मुंबई घर पर रेड की थी, लेकिन शाम होने की वजह से छापेमारी रोकनी पड़ी। पुलिस के मुताबिक निकिता से साफ साफ कहा गया था कि छापा दूसरे दिन भी जारी रहेगा और पुलिस की टीम 12 फरवरी को सुबह 10:30 बजे आएगी। दिल्ली पुलिस ने निकिता से ये भी कहा था कि उस दौरान वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेगी और घर में मौजूद किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ भी छेड़छाड़ नहीं करेगी। ये सारी बातें दिल्ली पुलिस ने लिखित में की थी और आपकी स्क्रीन पर यही वो दस्तावेज है जिसमें सब कुछ साफ साफ लिखा है। लेकिन दूसरे दिन जब तय वक्त पर दिल्ली पुलिस निकिता के घर पहुंची तो निकिता गायब थी। यही नहीं, उसने 12 फरवरी को ही मुंबई हाई कोर्ट में बेल की एप्लीकेशन लगा दी। निकिता ने कहा कि उसकी जांच पूरी हो चुकी है, जबकि दिल्ली पुलिस के मुताबिक जांच जारी रहने पर सहमति बनी थी। अब सुनिए निकिता के वकील का क्या कुछ कहना है। हम लोग बस इतना ही मांग कर रहे हैं कि 4 हफ्ते का निकिता को प्रोटेक्शन दिया जाए कोर्ट से, क्योंकि देखिए प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट का है। मुंबई हाई कोर्ट में सिंस वो रहती है, यहाँ की रेसिडेंट है, तो इसलिए हमने माननीय अदालत को हमने अप्रोच किया है ताकि जब तक वो उधर जाए प्रॉपर मेरिट्स पे मैटर आर्ग्यू करने के लिए उसको थोड़ा टाइम चाहिए। इफ़ शी इज़ अगर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है वो अपना केस प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट शायद ना कर पाए। आज बॉम्बे हाई कोर्ट में निकिता जेकब और औरंगाबाद कोर्ट में शांतनु मलुक की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई होनी है। मुंबई से साहिल जोशी और दिल्ली से विद्या और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।